हेलो गाइस, दिस इज़ सुकीर बॉस। वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ लेक्चर नंबर 5 ऑन लिस्ट इन पाइथन। एंड लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड टेक अ इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड आई होप यू गाइस गॉट माय टॉपिक। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी लिस्ट इन पाइथन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। लिस्ट, तो नाम से भी जाहिर हो रहा होगा कि व्हाट इज़ लिस्ट। सो लिस्ट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन दैट इज़ म्यूटेबल और चेंजेबल ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट। तो गाइज आई कॉन्ट गेट दिस स्टेटमेंट, सो यू गाइज ऑल्सो कॉन्ट डिडंट गेट दिस स्टेटमेंट आई होप। हमने ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गेट नहीं की, बिल्कुल समझ नहीं आई। तो कुछ कुछ को समझ आई हो कि मैंने क्या कहा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आई क्योंकि मैं प्रैक्टिकल करूँगा तो मुझे समझ आएगी। तो इसलिए ज़्यादा हमारा फोकस होता है प्रैक्टिकल पे। तो यहाँ पे इसका बताने का मकसद ये है कि हम अपनी रोज़मर्रा लाइफ में भी लिस्ट का नाम सुनते रहते हैं कि लिस्ट लिस्ट लिस्ट। C++ में हमने एरे सुना था, इन पाइथन वी विल स्टडी द लिस्ट। सो लिस्ट हमारे बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेगी और वहाँ पे अगर हम एज़ कम्पेयर टू C++ देखा जाए, वहाँ पे हम लिस्ट पढ़ते थे। तो लिस्ट क्या होती थी, वहाँ पे हम एरेज़ पढ़ते थे। तो एरेज़ और लिस्ट में यहाँ पे फ़र्क ये है कि वहाँ पे एरेज़ में भी हम एलिमेंट्स लेते थे, लेकिन वहाँ पे ये होता था कि सपोज़ कि आपने डेटा टाइप दिया है इंट, ठीक है, डेटा टाइप इंटीजर दिया, तो हम क्या करते थे कि हमारे पास इंटीजर की हम डाल सकते हैं अपनी एरे में। फ्लोट दिया तो फ्लोट वैल्यू डाल सकते हैं एरे में। लेकिन लिस्ट क्या करती है कि लिस्ट में आप फ्लोट इंटीजर स्ट्रिंग एक ही लिस्ट में आप तीनों डेटा टाइप की वैल्यूज़ को इनपुट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, और वो लिस्ट आपको शो भी करवाएगी। ये एक फ़ायदा हो गया लिस्ट का, इसलिए पाइथन में लिस्ट शुमार की जाती है। तो ज़्यादातर पाइथन का सिंटेक्स सेम होता है इंग्लिश की तरह। लिस्ट जैसे नाम आया तो हमारे जहन में आ गया कि लिस्ट। सपोज़ के कोई एग्जांपल ले लें कि आप ऑफिस में जाते हैं, वो आपको टीचर कोई कहता है कि वहाँ इन स्टूडेंट्स की लिस्ट ले आओ, तो ये स्टूडेंट्स फेल हैं, इन स्टूडेंट्स की लिस्ट ले आओ। तो नाम से भी जाहिर हो रहा है कि लिस्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट के अंदर इंडेक्स पहले कई बाई डिफ़ॉल्ट होते हैं। सपोज़ के लिस्ट हमारे पास कोई लिस्ट है, यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली जाते हैं अपना, आपने पहले एनाकोंडा नेविगेटर ओपन किया, उसके बाद आप क्या करोगे, जुपिटर नोटबुक ने आपने ओपन की, वहाँ पे आपने पाइथन 3 ओपन की, और यहाँ पे आप क्या करोगे कि लिस्ट क्रिएट करते हैं आप। तो बिफोर गोइंग टू द टॉपिक कोडिंग, बिफोर गोइंग टू द कोडिंग लिस्ट, मैं यहाँ पे लिस्ट 1 यहाँ पे मैं इसको क्रिएट भी कर देता हूँ, और ये फाइल हमारी क्रिएट हो गई। तो उसके बाद क्या होता है कि कोडिंग में हम देखेंगे कि आप लिस्ट को क्या क्रिएट करते हो। मैंने आपको एक बात इंडेक्स की भी की है कि इंडेक्स 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स आपने एरेज में पढ़ा होगा, लिस्ट में भी इसी तरह। कि सपोज़ कि माय नेम इज़ तुकीर अब्बास, सो तुकीर अब्बास का नाम मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट में दे दिया, तो वो क्या होगा। सपोज़ कि आप लिस्ट का वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, यहाँ पर आपने वेरिएबल दे दिया, उसके बाद आप लिस्ट क्रिएट करते हो, और हमेशा क्या होते हैं कि स्ट्रिंग में आप डाल रहे हो, मर्जी आपकी कि आप इंटीजर भी डाल सकते हो, बीच में आप फ्लोट भी दे सकते हो, मैं पहले स्ट्रिंग टाइप दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा मकसद है इंडेक्स का कि यहाँ पे तुकीर जो है, वो तुकीर जो मैं दे रहा हूँ, इसका इंडेक्स खुद ब खुद बाई डिफ़ॉल्ट 0 होगा। ये इंडेक्स को भी अब यहाँ पे आप देखेंगे वीडियो के आगे में कि मैं इंडेक्स को भी एक्सेस करूँगा, इंडेक्स भी इसका मालूम करूँगा, उसके बाद मैं ऐड भी करूँगा वैल्यू को, उसके बाद मैं वैल्यू को रिमूव भी करूँगा, डिलीट भी करूँगा। तो ये एक वीडियो में शायद हम कर सकें, वरना नहीं किया तो आप नेक्स्ट वीडियो में भी इसी को लेके जारी रखेंगे कि वीडियो लंबी ना हो सके। तो यहाँ पे आपने एक लिस्ट बनानी है, उसमें फिर हम लिस्ट में ऐड एडिशन भी करेंगे, रिमूविंग करेंगे, डिलीशन भी करेंगे, सो बहुत से काम करेंगे जो फंक्शंस होते हैं, इंसर्ट भी करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि कोई और नाम ले लेता हूँ, महासिन, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ले लेना है, आपने
थ्री नेम्स ले ली, लिख दिए इसमें। और अब क्या करोगे आप कि आपने यहाँ पे इसको करना है रन, तो ये हो गई रन और इसको आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे आपके पास लिस्ट आ गई, तीन बंदों की लिस्ट आ गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, इसके लिस्ट आपने बना दी तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स होगा लिस्ट के अंदर, ये इंडेक्स ज़ीरो इंडेक्स, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि है आप शो भी करवा दो उसको कि ये वन इंडेक्स होगा इसका, उसके बाद ये आपका वो ज़ीरो होगा, ये आपका वन होगा और उसके बाद ये आपका टू पे इंडेक्स। ओके दिस इज कि हमने इंडेक्स भी पढ़ लिया। तो उसके बाद आप क्या करते हो स्टूडेंट्स कि आप कोई भी उसके बाद सिटीज़ की लिस्ट लेते हो, फ्रूट्स की लिस्ट लेते हो, उसमें एडिशन करनी है, जो भी आप करने कंट्री की लिस्ट लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लिस्ट हमने ले ली, यहाँ पे अगर मैं जैसे मैंने इंडेक्स की बात की कि इसका इंडेक्स क्या है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैंने ये किया, उसके बाद मैं कहता हूँ वन, तो वो मैं जब रन करूँगा तो मेरा आंसर क्या देगा, यहाँ पे मुझे इंडेक्स वन पे वो नाम हमने एक्सेस कर लिया, फर्स्ट हमने क्या कर लिया मोहसिन को एक्सेस कर लिया। अब क्या करते हैं हम लिस्ट ओके और ज़ीरो एंड ज़ीरो रन इट एंड दिस इज तौकीर। सो इंडेक्स ज़ीरो पे हमारे पास नाम क्या था तौकीर, एंड इंडेक्स वन पे वी गेट मोहसिन। आप जितने भी लिस्ट बनाते जाते हैं उसमें इंडेक्स आप जिसका मालूम करना चाहते हैं, गेट करना चाहते हैं, तो वो आपको दे देगा। आप थ्री पे चेक कर लें, ज़ीरो वन टू पे चेक कर लें, हमारे पास थ्री हैं। तो हमेशा क्या होता है लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो वन टू थ्री इंडेक्स इस तरह स्टार्ट होती है। तो टू पे आप देख लें हमारे आपके पास सिक्की नाम देगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है गाइस कि आपने फंक्शन, अगर इसमें आप फंक्शन ऐड करना चाहते हैं, सपोज़ के कोई एडिशन करते हैं, या आप क्या करना चाहते हैं इसी लिस्ट की आप लेंथ मालूम करना चाहते हैं, इसमें एक और हम लेंथ मालूम करते हैं इस लिस्ट की। तो सिंपल जो चीज़ है वो मैं आपको साथ साथ करवा दूं। आप लिस्ट जो है आपने वेरिएबल दिया था उसकी लेंथ मालूम करें। ओके तो आपको देगा कि इसकी थ्री लेंथ है, यहाँ पर क्या देगा कि वन वन टू थ्री, लेंथ ऑफ आ लिस्ट वेरिएबल इज थ्री। सो आपको इसकी लिस्ट की थ्री दे दी। सपोज़ के मैं कंट्री करता हूँ, कंट्री वन कंट्री कंट्रीज़ का मैं करता हूँ लिस्ट बनाता हूँ, तो क्या करेंगे कि सपोज मैं कंट्री का यूएसए बना देता हूँ, उसके बाद मैं कंट्री इंडिया रख देता हूँ, उसके बाद कंट्री में पाकिस्तान दे देता हूँ। तो यहाँ पर जब आप लिस्ट को एग्जीक्यूट करोगे, यहाँ पर क्या करना है आपने कंट्रीज़ को वो यहाँ पे रन कर दें, वो आपके पास देखें कि आपकी लिस्ट आ गई। यहाँ पे आप अगर लिस्ट की लेंथ मालूम करना चाहते हैं तो आप लेंथ मालूम कर सकते हैं, यहाँ पे जितनी भी आप लिस्ट बनाना चाहते हैं आपकी मर्जी। और यहाँ पे आप इसको रन करें दोबारा से कंट्रीज़ को, यहाँ पे आप इसको रन करें तो आपके पास ये लिस्ट आ गई। इसके बाद आप इसकी लेंथ देखना चाहते हैं तो लेंथ देखिए आप इसकी लेंथ कितनी है कंट्रीज की, रन इट एंड वी गॉट फोर। तो हमने इसकी लेंथ फोर की, क्यों वन टू थ्री फोर। इसका इंडेक्स मालूम करें तो आपको इंडेक्स क्या आएगा, आप इंडेक्स मालूम करना चाहते हैं और आपने क्या करना है कि आप पाकिस्तान को गेट करना चाहते हैं तो ज़ीरो वन टू, आपने क्या करना है टू इंडेक्स पे हमारे पास पाकिस्तान। तो आपने इसको वैल्यू को एक्सेस भी कर लिया कि हमारे किस इंडेक्स पे पड़ी है, और इसका इंडेक्स भी मालूम करना चाहते हैं कि किस पाकिस्तान का इंडेक्स कौन है, ये भी आप आगे देखेंगे कि हम किस तरह इसको फाइंड करते हैं। ओके तो उसके बाद आप क्या करते हो गाइस के आप लिस्ट के अंदर आपने एक्सेस भी कर लिया, आप इसके अंदर आप क्या करोगे अभी कि आप ऐड करना चाहते हो वो ऐड द मेम्बर्स। सो यहाँ पर हम अगर देना चाहें एड मेंबर्स, एड मेंबर्स इन द लिस्ट, सपोज गाइस आपके पास थ्री मेंबर्स की लिस्ट थी और आपको उसको एड एडिशन करना चाहते हैं उसमें कोई चीज़ की, तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि सपोज मेरे पास आ लिस्ट जो थी मैंने बनाई थी और उसमें मैं एडिशन करना चाहता हूँ,
तो एडिशन में जो करूँगा तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा कि आपने डॉट लगाना है, उसके बाद आपने शिफ्ट और टैब का बटन दबाना है। शिफ्ट और टैब पे आपको उसका बता देगा कि हमारे पास लिस्ट फॉर्म क्या है, लेंथ क्या है उसकी लिस्ट की। ओके, तो उसके अंदर आप लिस्ट में मेंबर्स हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम मेंबर्स ऐड करेंगे, ऐड मेंबर्स इन द लिस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम ऐड लिस्ट करेंगे तो उसमें मैं आपको कमेंट्स में नीचे मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आप जब यहाँ पे हैशटैग करें और लिखें कि लिस्ट में जब एक फंक्शन ऐड करते हैं, सपोज़ कि अपेंडिक्स यूज़ होता है, अपेंडिक्स जो होता है वो हमारे पास ऐड द मेंबर यूज़ करने हैं, अपेंड अपेंड आप लिखेंगे। अपेंड अपेंड क्या करता है कि अपेंड का ये होता है कि ऐड करता होता है, ऐड मेंबर लिस्ट। अपेंड जो होता है वो लिस्ट में मेंबर को ऐड करते हैं। आ लिस्ट और डॉट किया आपने, उसके बाद आपने टैब का बटन प्रेस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके बहुत सारे फंक्शंस आ गए। तो यही तो कमाल होता है पाइथन के कि हमें खुद ब खुद देता है। तो अभी तो बहुत ही आसान आपको लग रही हो, कोई है भी बहुत आसान। यहाँ पे आपने जब टैब का बटन प्रेस किया तो यहाँ पे आपको अपेंड मिल गया। तो ये कहता है कि लिस्ट में आपके पास यहाँ पे थी, आपके पास लिस्ट में तीन नाम थे। ये आप सपोज कि उसके अंदर कोई और नाम करना चाहते हैं, आप नीचे कोडिंग में चले गए और वहाँ पे आपने लिस्ट में नाम डालना था, आप भूल गए कि चौथा नाम डालना था फोर उस पर। तो आप क्या करते हो कि यहाँ पे आपने क्या किया, लिस्ट डॉट अपेंड कर दिया आपने, और उसके बाद आपने अपेंड करके कोई भी उसमें आपने पास करना है। आपने यहाँ पे क्या करना है कि कोई नाम आपने पास करना है, और उसमें आप क्या करते हो, पास करते हो कोई नाम के। यहाँ पे आपने क्या नाम पास करना है, सपोज हम क्या करते हैं कि हमारे पास तुकीत था, नाम भी गाइज बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं ना जब यूट्यूब चैनल आप बनाते हैं। अभी मैं दो नाम दिए हूँ तो मुझे कहेंगे कि ये किसी दोस्त का नाम दे रहा है, तो मैं सोच के नाम रखता हूँ, तो मैं नाम रख लेता हूँ कोई भी, फिदा नाम रख लेते हैं गाइज, क्योंकि स्ट्रिंग ले रहे थे हम ऊपर से, तो फिदा का नाम दे देते हैं, आवर लवली फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पे हमने फिदा को पास कर दिया। यहाँ पे जब हम रन करेंगे तो यहाँ पे सिंटेक्स एरर आई है। तो यहाँ पे एरर वो दे रहा है स्टूडेंट्स कि एरर हमारे पास क्या है, हम देखते हैं कि हमें एरर क्या दी है। तो यहाँ पे जब हमने नाम पास किया था तो उसके बाद आप देखोगे कि इसको हम दूसरी लाइन पे हमने नीचे इसके कमेंट्स ही ऐड कर दिए थे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप ये करें और डॉट करें आप, और यहाँ पे आपने अपेंड लगाने। ओके, आपने यहाँ पे अपेंड लगा देना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके अंदर आपने कोई नाम आपने वो कर देना है, इंसर्ट कर देना। उसके बाद आपको एरर दे रहे हैं, देखते हैं कि एरर क्यों दे रहे हैं गाइज, एरर दे रहा है, एरर दे रहा है, एरर ये देख रहे हैं। देखें ना आप, हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। यहाँ पे हमने ये यूज़ करना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करनी होती हैं, और यहाँ पे हम इसका फिदा का नाम दे रहे हैं। तो ये गाइज ये होता है कि जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, तो ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अभी आप देखें कि हमारा फिर भी ये ग्रीन नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमारा इसका ग्रीन होना लाजमी है। तो ये ग्रीन शो नहीं हो रहा, ये ग्रीन शो हो गया, देखें आप ये नुकसान, ये देखें, ये हम इस ब्लॉक में आए। तो ब्लॉक बाय ब्लॉक कोडिंग करती है पाइथन, ब्लॉक बाय ब्लॉक ब्लॉक। तो हमने अभी देखें, हमने कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ कर दी थी, स्क्वायर ब्रैकेट भी नहीं, स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, और उसमें आपने नाम दे दिया। यहाँ पर आप करोगे रन, उसके बाद आप क्या करोगे कि जहाँ पर आपने लिस्ट दे देना है, फिर करें रन। आपको देखिए फिदा आपको यहाँ पे अपेंड करता हुआ दे दिया। उसके बाद हमने दूसरी लिस्ट भी बनाई थी, हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने चार नाम दिए थे और हम एक और नाम इसमें क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमने कंट्रीज़ की लिस्ट बनाई थी, कंट्रीज़ की लिस्ट हमने दी थी। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने कंट्रीज़ दे के ओके कॉपी करें, पेस्ट करें, और इसके बाद आपने डॉट लगा के टैब का बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपने अपेंड का कर देना है और इसके अंदर आपने पास कर देना है। यहाँ पे आप देखें, मैं आपको बताता हूँ, आपने शिफ्ट और टैब
बटन जब दबाया तो वो आपको बताएगा कि आपने कंट्रीज था उसमें आप अपेंड कर रहे हो, तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट दें। तो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट देना है इसके अंदर, अब ऑब्जेक्ट देना है आपने कोई भी नाम दे दें आप, तो आपने नाम इसमें देना है कि इटली दे दें, तुर्की दे दें, आई लव तुर्की, तो आपने तुर्की दे दिया। और फिर आप इसको करते हैं रन, और इसके बाद आप देखेंगे कि आपको लिस्ट में नाम आया है या नहीं, वो ये आपने कर दिया रन। और उसके बाद आप देखें आपने अपेंड कर दिया, उसने अपेंड के फंक्शन ने, वो आपके पास तुर्की आ गया। यहाँ पे आप देखें कि मैं आपको दिखा दूं जब आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने बहुत सारे फंक्शन देखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं अपेंडिक्स का, हमने अपेंड किया, वो अपेंड हमने किया, यहाँ पे आप टैप करें, यहाँ पे आपने देखा आज आपने अपेंड किया इस वीडियो में। इस वीडियो में आपने एक तो लिस्ट बनाना सीखी, उसके बाद आपने एक ऐड करना भी सीखा कि लिस्ट के अंदर हम किस तरह चीज़ को ऐड करते हैं। क्लियर हम करेंगे, कॉपी करेंगे, काउंट करेंगे, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव एंड रिवर्स, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो प्लीज़ गाइस, आई नीड सब्सक्राइबर फॉर माई चैनल बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ माई चैनल, तो ये चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो आगे ज़्यादा प्रैक्टिस हमारा फोकस क्या होती है हमारी, कि हम कोडिंग करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ज़्यादा फोकस कोडिंग पे दिए, तो हमेशा थ्योरी में इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ा था क्योंकि आप स्टूडेंट्स अपनी हैबिट बनाएं कि जब भी टॉपिक शुरू करते हैं तो उस टॉपिक से पहले आप थ्योरी को स्टडी करके आएँ, कि आपको पता होना चाहिए कि थ्योरी आपने अभी क्या करना है। लिस्ट में आपने आगे जो आपके आ रहे हैं टॉपिक्स, आपने रिमूव पॉप, तो पॉप का जब टॉपिक आता है फिर आपने रिमूव, तो डेटा स्ट्रक्चर के टॉपिक पे आपने यूनिवर्सिटी लेवल पे आप पढ़ रहे होंगे कि पॉप आपने किस तरह करते हैं, पॉप क्या काम करता है, रिमूव क्या करनी है चीज़, तो ये फंक्शन थोड़े बहुत आप स्टडी कर लिया करें, तो उसके बाद जब आप कोडिंग करते होते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो बीच बीच में मैं ऐसी कोडिंग भी कर जाता हूँ, मुझे लग रहा होता है कि आपको आपने पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत, तो इसलिए मैं उसको हल्का लेके डायरेक्टली टॉपिक को आगे लेके चलता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।